आम आदमी पार्टी की जिला महासचिव मोहम्मद जफर ने जिला प्रशासन से मांग करी, नवरात्रि और रमजान के पर्व पर शहर में कराई जाए साफ सफाई। आपको बताते चलें, जनपद रामपुर में आम आदमी पार्टी के जिला महासचिव मोहम्मद जफर ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि आगामी नवरात्रि और रमज़ान के पर्व को लेकर शहर में नगर पालिका साफ़ सफाई कराए। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिरों मस्जिदों के आसपास साफ़ सफाई कराई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली की व्यवस्था भी कराई जाए। वहीं अब आइए सुनते हैं इसको लेकर आम आदमी पार्टी के ज़िला महासचिव मोहम्मद जफर और क्या कह रहे हैं। देखिएगा, मेरा नाम मोहम्मद जफर है, मैं आम आदमी पार्टी के ज़िला महासचिव हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रमज़ान का और नवरात्र का पवित्र माह शुरू होने जा रहा है, मैं जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ मंदिर और मस्जिद के आसपास की जगहों पर साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाए। साथ ही मैं ये मांग करता हूँ कि पूरे जिले के अंदर जहाँ जहाँ स्ट्रीट लाइटें खराब हैं, उन स्ट्रीट लाइटों को ठीक किया जाए। मंदिर और मस्जिद की जो इबादतगाह हैं, उन एरियों के अंदर रोशनी को किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से अंधेरा होगा, अंधेरे में लोग बाहर निकलेंगे, रोडों की खराबी है, रोड भी ठीक हो जाए, साथ साथ इसके और साफ सफाई का भी ख्याल रखा जाए। क्या उम्मीद है? मुझे ये उम्मीद है जिला प्रशासन इस ओर ध्यान देगा और इसको ठीक कराएंगे।